इस लड़के ने कूड़ेदान से एक तली हुई कांप उठाई। अचानक मछली ने अपनी आंखें खोली, जिससे दोनों बच्चे बेहद डर गए। अचानक इसने 95 पेट्रोल के एक पोखर में उल्टी कर दी। सेकंड बाद में एक छोटी मछली तैरती हुई निकली। लड़के ने मछली को पकड़ लिया, फिर पानी की टंकी में गिरा। उसे नहीं पता था कि यह मछली साधारण नहीं है। कहानी 3 दिन पहले की है। मिस्टर वोंग मछली पकड़ने गए और एक कांप पकड़ी। उसने मछली को चूर चूर कर दिया। उसे क्या पता था कि मछली की आंखें नीली हो गई हैं। श्री वांग ने इसे मौके पर ही भून लिया और खा लिया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। कुछ लोग देखने के लिए बाहर गए और कुछ भी नहीं देखा। इस समय मिस्टर वोंग यह जानकर हैरान रह गए कि कांप सांस ले रही थी। तीनों इतने डरे हुए थे कि भाग खड़े हुए। उस पल एक अजीब बात हुई। मछली पर एक मानवीय चेहरा दिखाई दिया। एक शख्स इतना डर गया कि उसका सिर चट्टान से जा टकराया। एक ने खून की उल्टी की, दोनों की जान चली गई। फिर मछली का चेहरा काले धुएं में बदल गया। श्री वांग के मुंह में प्रवेश करते ही उनकी मृत्यु नहीं हुई। वह घर में 6 लोगों की हत्या कर घर भाग गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पता चला कि यह सामान्य नहीं था। सो मिस्टर सोन लाइन नाम के एक अच्छे जादूगर को खोजने गए। मिस्टर लाइन ने देखा कि मिस्टर वोंग एक बहुत शक्तिशाली राक्षस छोड़ रहा है। अभी समय नहीं है, इसलिए इससे निपटना मुश्किल है। लाइन को एक बार कोशिश करने से पहले बेटे ने बहुत देर तक भीख मांगी। उन्होंने श्री वांग को एक कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया और जादू किया। लाइन ने मंत्र का पाठ किया, कमीज को बाहर निकाला और अपने हाथों से उसे अपने सिर पर कसकर पकड़ लिया। दानव को बाहर निकालना, लेकिन अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसकी खोई हुई पत्नी में बदल गया। जब लाइन का ध्यान भंग हुआ, मिस्टर वोंग ने रस्सी खींची। लाइन की गर्दन को दबाते हुए लाइन ने मंत्र का पाठ किया। श्री टाइगर को प्रवेश के लिए आमंत्रित करना हमेशा के लिए विफल रहा। दो शिष्य भागे। श्री वांग को एक शाही वस्त्र पहनाया और उनके मुंह से एक काला धुआं निकला। लाइन ने धुएं को पकड़ा और कांप पर रख दिया। इसने मछली को 500 डिग्री सेल्सियस ट्रायल में डाले। उस दृश्य को 2 बच्चों ने देखा था। उन्होंने तली हुई मछली उठाई, लेकिन श्री वांग अभी भी प्रेतबाधित थे। यहाँ तक कि उसकी देखभाल करने वाला जेल अधिकारी भी भूतिया था। मिस्टर सोन फिर से लाइन की तलाश में गए और दोनों मिस्टर वोंग के घर गए और घर के बीचों बीच धूप का एक कटोरा या तभी एक हाथ मिस्टर सोन के पास पहुंचा। यह पता चला है कि श्री वोंग के घर की फैंगशुई में समस्या है। हालांकि यह प्रतिभा को आकर्षित कर सकता है। जब शैतान घर में प्रवेश करता है तो एक दुर्घटना होती है। इस तरफ लड़के ने मछली को टैंक में डाल दिया और उसकी मां ने देखा। अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब हुआ। कुछ देर बाद घर में कोहराम मच गया। टैंक में छोटी मछली बड़ी मछली में बदल जाती है। सिस्टर लियन ने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रही है। उसने एक गोली ली और ले ली। हे भगवान, मैं हैरान हूँ। लियान ने देखा कि छज्जे पर कोई बैठा है। वह धीरे धीरे चली, पर्दा खोला और वह व्यक्ति गायब हो गया। यह आकर्षक क्यों है? अपना पूरा आत्म ले लो। माँ की चीख सुनकर बालक की नींद खुल गई और वह बाहर निकल गया। छोटी मछली को और न देखकर वह अपनी माँ के कमरे में चला गया और अपनी माँ को कच्ची मछली खाते देख बालक अत्यंत भयभीत हो गया। वह पीछे हट गया, लेकिन माँ फिर भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने मछली के टैंक को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और महसूस किया कि मछली साधारण नहीं थी। वह अपनी माँ को गुरु को खोजने के लिए ले गया और कहा कि कांप एक भूत था। तब गुरु ने मंत्रों की एक डाली स्थापित की। ग्रहणाधिकार को ढकने के लिए शाही वस्त्र का प्रयोग करें, उसके सिर को निचोड़ें और फिर अभिशाप का पाठ करें। उसका शरीर कांपने लगा और कांप भी चलने लगी। इस बीच लाइन ने सारा अतीत देख लिया था। 300 साल से भी पहले कहा गया था कि दानव संसार एक प्रकार का राक्षसी देवता प्रकट हुआ जो अक्सर जंगल में दिखाई देता था। पुरुषों के मन को मोहित करने वाले कई बूढ़े और बच्चे इसके द्वारा धोखा खा जाते हैं और लापता हो जाते हैं। मिस्टर टाइगर लोक कथाओं में एक पौराणिक जानवर है, साथ ही एक देवता। वह राक्षसों को वश में करने में माहिर है। हजारों सालों से मिस्टर टाइगर और शैतान कई बार लड़े हैं। अंततः उन्हें मिस्टर टाइगर ने वश में कर लिया। झील के तल पर मुहर बंद, अब यह फिर से दिखाई दिया। लाइन ने जादू के देवता का परीक्षण किया। उसने लियन के सिर पर अपना हाथ रखा। राक्षस को जाने के लिए मजबूर करते हुए शिष्य ने कांप को मारने के लिए एक काले पत्थर का इस्तेमाल किया। लियन ने ऐंठना बंद कर दिया। इस बात से अंधिके की खतरा अभी शुरू हुआ था। आदमी ने जमीन पर कुछ खोजा। खोदने पर एक सफेद हड्डी मिली। अचानक जंगल के चारों ओर एक भूत दिखाई दिया।
उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भूत भगाने के लिए एक जादू किया। उन्होंने मिस्टर टाइगर को दिखाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे नहीं आए। और दैत्य देवता को क्रोधित करते हुए शिष्यों को दैत्य देवता ने वश में कर लिया। उन्होंने मास्टर पर हमला किया, कई गंभीर रूप से घायल हो गए। दृश्य दुखद था, लाइन को भागना पड़ा। वह अपने गुरु के पास यह पूछने गया कि क्या गलत है। शिक्षक ने 3 अगरबत्ती जलाई और लाइन से बोला। यह पता चला कि जब लाइन की पत्नी गर्भवती थी, दुर्भाग्य से उसे कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने दोनों में से एक ही रखने को कहा। लाइन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने मिस्टर टाइगर से मदद मांगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी पत्नी का जन्म देने के बाद निधन हो गया। लाइन बहुत गुस्से में था, उसने अपनी वेदी के सामने अपने हाथ पर बाघ का टैटू काट दिया। निचली दुनिया में लोग देवताओं से अलग, असमंजस में परी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। और भगवान अक्सर हम में से प्रत्येक के दिल में प्रकट होते हैं। लाइन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह प्रार्थना करने के लिए वेदी पर लौटा। हालांकि श्री टाइगर प्रकट नहीं हुए, लेकिन वह भी शिष्य नहीं पहन सकता था। लाइन दानव देवता का विरोधी नहीं था, उसे गर्दन के चारों ओर कसकर निचोड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण क्षण में लाइन ने सभी नाराजगी को खारिज कर दिया। मंत्र का जाप करें और श्री टाइगर को आमंत्रित करें। इस समय श्री हो की ताकत के लिए धन्यवाद, लाइन इसे हल करने में सक्षम था। इतने में एक महिला दिखाई दी। मुड़कर देखा तो वह उसकी पत्नी निकली। जब दानव प्रकट हुआ तो उसने लाइन को 300 मीटर दूर उड़ते हुए भेजा। एक पेड़ की शाखा पर पकड़ा गया, राक्षसों का एक झुंड उसके पास आया। वह अपने पेट से छड़ी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इस बार उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी को देखा। उसने लकड़ी की छड़ी को हटा दिया, फिर मिस्टर टाइगर को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। अंत में दानव देवता नष्ट हो गया और लाइन हमेशा के लिए चला गया। शिष्य सामान्य हो जाते हैं, फिल्म समाप्त हो जाती है। अंत में श्री टाइगर और राक्षसी देवताओं के बीच महान प्रतिशोध युद्ध, यह भी अंत तक आता है, लेकिन यह बहुत आकर्षक नहीं है। आप क्या सोचते हैं?